ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ 99.67 ਜਦਕਿ ਲੜਕੇ 99.13 ਫੀਸਦੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ 99.2 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਵੰਸ ਕੌਰ। ਔਰ ਕੌਨ ਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇ 99, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 99, ਮੈਥਸ 99 ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 99, ਆਪਸ਼ਨਲ 100। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ? ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆਪਨੇ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਕੇ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੋਰਡਸ ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਹਮਾਰੇ ਟ੍ਰੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋ ਦਿਖਾਤਾ। ਪਰ ਅਭੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਟੀਚਰਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਰਕਸ ਆਏ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ, ਮਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ 97.6, ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਟੋਪਰ। ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ? ਮਿਹਨਤ तो बहुत की, ये साल ही ऐसा था कि सब कुछ घर पे था, मतलब बहुत एफर्ट्स बहुत करने पड़े, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया और बहुत अच्छा फील हो रहा है अब। जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी, पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल में नहीं आए, तो क्या कितनी सपोर्ट मिली, मतलब कैसे पढ़ाई किया? बहुत टीचर्स की साइड से भी बहुत सपोर्ट थी, पेरेंट्स की साइड से भी थी, सब कुछ था। कोई प्रॉब्लम होती थी, यू कैन एनी टाइम कॉल एनी टीचर टू आस्क एनी थिंग। बहुत बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली सब कुछ हैंडल किया टीचर्स ने भी, और सब बहुत अच्छा रहा। लग रहा था कि आपको पेपर होंगे या लग रहा था कि नहीं होंगे? पहले तो था कि होंगे, जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह थी, टेंथ के कैंसिल हो गए पर ट्वेल्थ के नहीं हुए थे, तो उस टाइम था कि होंगे, पक्का होंगे। बट फिर धीरे धीरे जब कैंसिल हुए तो फिर खुशी भी हुई, थोड़ा दुख भी था कि पेपर्स में जितना मेहनत आप कर सकते हो, अपने एफर्ट से जितने मार्क्स ला सकते हो, अब उतने नहीं कर पाओगे आप, अब आपको एवरेज ही मिलेगा एक। तो मतलब कैसा देखते हो कि पेपर होने चाहिए थे आपके हिसाब से? हाँ, होने भी चाहिए थे, ठीक है, बट अब तो आगे जाके क्या बनना चाहते हो आप? मैं आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहती हूँ, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स आई वॉन्ट टू डू, इन फाइन आर्ट्स आई वॉन्ट टू गो। हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा नॉन मेडिकल में, हमारी बेटी जो है वन स्कोर, उसके 99.2% आए हैं, और शायद ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने नॉन मेडिकल के परसेंटेज का ही। एंड बाकी भी अच्छे हैं हमारे, 98.6 मेडिकल में हैं एंड 98.4 कॉमर्स में हैं एंड 97.6 ह्यूमैनिटीज़ में। मैं इस बार स्कूल के लिए कितना मुश्किल रहा होगा रिजल्ट लाना, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ था, कोविड था, पेरेंट्स का भी प्रेशर था, कैसा होगा? स्कूल के लिए मुश्किल ज़रूर था, लेकिन सीबीएसई की गाइडेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने पल पल पे हमें गाइड किया, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सीबीएसई कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड करके आज ये रिज़ल्ट निकाला है, एंड बच्चे बहुत खुश हैं इस रिज़ल्ट से। मेरा नाम संजना है, तो मैं सेंट जेवियर स्कूल बठिंडा तो 12th पास आउट करी है। आई हैव स्कोर 95% टूडे, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे टीचर्स ते साडे स्कूल दे प्रिंसिपल फादर सिडलॉय फटारो दा इहदे विच बहुत वड्डा हाथ है, सारे बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि साडे स्कूल दे बच्चे अच्छा रिजल्ट लै सकन। कंसैप्ट क्लियरिटी ते बहुत फोकस किया जाता है ऑनलाइन, ईवन कि इस करोना दे टाइम दे विच ऑनलाइन क्लासेस दे विच भी, मैं कहूँगी लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस दे विच कोई ज़्यादा फर्क मैं महसूस नहीं होया, क्योंकि असी पूरे फोकस होके क्लासेस लगाई हैं, ते कॉन्सेप्ट ते अच्छी तरह फोकस सी, ता करके अज असी इस रिजल्ट हासिल कर सके।
हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम अर्चना राजपूत है। इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, हमेशा की तरह इतिहास दोहराया है बच्चों ने, और आज बच्चे सभी बहुत खुश हैं। हमारा जो रिजल्ट है 97.6% रहा है, जिसने सिया गोयल टॉपर है स्कूल की, और सेकंड नंबर पे हैं हमारी तनीषा खिप्पल, से स्कोर 96% मार्क्स। थर्ड नंबर पर आशमा 95.8%। सभी बच्चे बहुत खुश हैं, सबकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि इस बार कोरोना ने सबको बहुत सताया है, लेकिन हमारा स्कूल है जो इससे हार नहीं माना। और जैसे ही स्कूल शुरू हुए तो 6 अप्रैल से हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी, एक भी दिन हमने वेस्ट नहीं किया, अपने बच्चों पर पूरी मेहनत की है। और आज जो नतीजा है ये यहाँ के टीचर्स और बच्चे और उनके पेरेंट्स की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम सब खुशियाँ मना रहे हैं।